नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। महरौनी तहसील क्षेत्र प्रदेश के दूर छोर पर बसा एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग दो चार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक समस्या यह है कि जब कभी यहां पर कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो तत्काल राहत नहीं मिल पाती और मदद के लिए जब तक तहसील मुख्यालय तक जिला मुख्यालय ललितपुर से दमकल वाहन आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि लोग दमकल वाहन का इंतज़ार करते रहे लेकिन समय से मदद नहीं मिल पाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। महरौनी के समीपवर्ती ग्राम कुआं घोसी में स्थायी फायर स्टेशन की स्थापना हेतु लगभग 20 साल से लगभग 45 डिसमिल जमीन खाली पड़ी है, लेकिन अभी तक धन के अभाव में यानी कि बजट के अभाव में इसका निर्माण नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों की ऐसी मांग है कि यदि यहां पर स्थायी फायर स्टेशन की स्थापना हो जाए तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और महरौनी सहित मड़ौरा क्षेत्र के लोग काफ़ी कुछ सुविधा इससे ले सकेंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महरौनी क्षेत्र के विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री मनोहर लाल जी पंथ मन्नू कोरी। मंत्री जी से हम चर्चा करेंगे। मंत्री जी, महरौनी में ग्राम कुआं घोसी के समीप लगभग 45 डिसमिल जमीन फायर स्टेशन के निर्माण हेतु सुरक्षित पड़ी है, जो कि अभी उपयोग में नहीं लाई जा रही है। वहाँ पर बोर भी किया गया है, पर्याप्त पानी निकला है और महरौनी में जब कभी कोई आगजनी की घटना होती है तो ललितपुर जिला मुख्यालय से दमकल वाहन पहुँचने में काफ़ी समय लगता है और तब तक नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। हाल ही में कई घटनाएँ भी हुई हैं जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में महरौनी में फायर स्टेशन बनना अति आवश्यक है। लेकिन कहाँ रोड़ा अटका है, क्यों नहीं बन पा रहा है जबकि 20 साल से ज़मीन डली है? बाबू, इस दिशा में क्या पहल हो रही है? देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसमें दमकल विभाग की जो भी यहाँ ज़मीन पड़ी है उसका कार्रवाई नहीं हुई है, तो उस कार्रवाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और इस संबंध में जब ज़मीन पड़ी है और क्षेत्र में गर्मी भीषण पड़ने के कारण कहीं आग लग जाती है, कहीं आगजनी हो जाती है, तो उसमें दिक्कतें, ललितपुर से जाने में काफ़ी टाइम लगता है जी, जी। और उस टाइम को बर्बाद होने की बजाय जब तक फसल वगैरह कोई भी हो तो वो आग से जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसमें मैं पूरे अपने जो हमारी तहसीलें हैं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पाली है, मड़ौरा है, महरौनी है, तालबहट है, तो इन सभी जगह एक एक दमकल गाड़ी रखी जाए और जिससे क्षेत्र में कोई बात आती है तो तुरंत उसको डायल करें और तुरंत गाड़ी वहाँ पहुँचे। इससे मैं इस संबंध में बात करूँगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जमीन सुरक्षित है महरौनी में, लेकिन बजट का अभाव है, तो इस बजट की दिशा में बाबू क्या पहल होगी? बजट में मैं उनसे बात करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और जल्दी से जल्दी इस बजट को पारित करवा करके और दमकल गाड़ियाँ पहुँचें और वहाँ स्थायी रूप से एक स्टेशन बने। वहाँ पानी की भी पर्याप्त मात्रा है, बोर भी हो चुका है, जो 45 डिसमिल जगह है वहाँ अच्छा पानी है और वहाँ दमकल गाड़ियों को पर्याप्त पानी से आग बुझाने में काम ये पानी आएगा, क्षेत्र को लाभ भी मिलेगा, पूरे क्षेत्र को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मंत्री जी बता रहे हैं कि इस दिशा में वो पहल करेंगे, निश्चित ही मुख्यमंत्री महोदय से जो भी बजट संबंधी यहाँ पर रोड़ा आ रहा है उस दिशा में मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही वहाँ पर फायर स्टेशन की स्थापना होगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही महरौनी क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ तक कि मड़ौरा क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी राहत मिलेगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोग सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।